अपने वालदैन के साथ एहसान वाला, नेकी वाला रवैया इख्तियार करो। इस आया मुकद्दसा पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन अलामा सैयद महमूद आलूसी उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर दें, और ये जो वीडियो बनाते थक जाते हैं दोस्त मोबाइल फ़ोन वाले, ये मेरा ख्याल है वीडियो वाले भाई से ही कोई राबता शाबता कर लें तो थकावट नहीं होगी, बनी बनाई मिल जाएगी। तस्वीरें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं जितनी हमने ज़रूरत बना ली है, बस ठीक है, ज़रूरत के तहत ठीक है, इतना ज़्यादा इस पर फोकस ना करें वरना असल काम रह जाता है। हमने तो दिल में सजा रखी है तस्वीरें यार, बस ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, तो इसलिए इतना ज़्यादा इसको ज़रूरी ना बनाएं, हद ही हो गई है तस्वीरों वाली। मैं तो गुजारिश करता रहता हूँ कि इश्तहार भी बगैर फ़ोटो के छपे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरी ये भी राय रहती है कि थोड़ा नाम लिखा जाए, मोहम्मद अजमल कादरी से भी लोगों को पता चल ही जाएगा कौन साहब आ रहे हैं। हमारे इश्तहार पे कुछ ऐसे अलकाबात लिखे होते हैं जिनका आम आदमी को तर्जमा भी नहीं आता होता, तो ऐसी चीज़ें प्रिंट करने की क्या ज़रूरत है। थोड़े अलकाबात के साथ सादा काम करें, सादगी में हमेशा हुसन होता है, और जो सादगी होती है वो मिलावट से पाक होती है। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन, बस बैठ जाएं अपनी जगह पे भाई, तशरीफ़ रखें सारे संगी, और मेरी तरफ तवज्जो करें, बच्चा कोई उठे तो उसे प्यार से बिठा दें। मैं ज़रा ठंडी ठंडी तकरीर करने वाला हूँ, तो चलो असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आज़ाद। और सुभान अल्लाह भी सिर्फ आपने अल्लाह की रज़ा के लिए कहनी है, ये भी याद रखें। कभी किसी मौलवी नात खां और किसी की तवज्जो करके सुभान अल्लाह ना कहें, वरना आपको सवाब नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और मेरे लिए ये भी काफ़ी है कि आप चुप करके भी सुने तो मुझे उसका भी बड़ा फ़ायदा है, सुनना बहरहाल आपके लिए बेहतर है, उस पे ज़रूर सुने। मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन कुछ बातों से बड़ा परेशान हो जाता हूँ। जब लोग कहते हैं ना जिसका ईमान है वो पढ़े, तो जो बेचारा टेंशन में बैठा है सोच कहीं और चली गई है वो बेईमान तो नहीं ना। हाँ, तो क्यों इस किस्म के जुमले हम बोलते हैं जिनकी शरीयत ही हमें गुंजाइश नहीं देती, इजाज़त नहीं देती कि जिसका ईमान है वो हाथ खड़ा कर ले। तो जिसने ताज़ा बाईपास कराया दिल का, वो हाथ खड़ा करेगा तो मर जाएगा बेचारा, उसको हुक्म है कि वो नीचे रखे। ये जज्बा है, ज़रूर होना चाहिए, हाथ खड़े दिए ही अल्लाह रसूल ने अपने लिए हैं तो होना ज़रूर चाहिए, लेकिन इसको इतना फ़र्ज नहीं समझना चाहिए माहौल में बहुत ज़्यादा। और एक और बड़ा इशू है हमारी महफिलों में, वो नोट फेंकने का है। क्या ज़रूरत है, नजराने का ये स्टाइल नहीं ना, ये काम करें। मिलाद की महफिल में आके भी गरीब आदमी परेशान रहता है, वो कहता मेरे को दत्थी होंगी तो मैं भी अगे बहिंदा, लिहाजा पीछे बो लोग के दत्थी जो कोई नहीं। इसलिए मिलाद की महफिलों में भी जो 50,000 रुपया देता है उसकी सदारत होती है, इसका कोई मतलब नहीं। ये जो स्टेज है ना जिस पे आप लोग हमें देख रहे हैं, तो मेरे जैसे लोग आ गए हैं तो खराबी हुई है, वरना तो ये पीर मेरे अली शाह का स्टेज है, वरना जो मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब का स्टेज है। इस पर तो जो जिसका दिल आता है वो कहता जा रहा है, कोई पता ही नहीं कोई क्या बोल रहा है और कौन किसका कलाम पढ़ रहा है, कोई उसने तहकीक नहीं कराई कि ये पढ़ने वाला था अभी कि नहीं, कोई पता ही नहीं। बड़े बड़े शोरा मौलाना हसन रजा साहब जैसे लोग नात लिखते थे तो पहले चेक कराते थे कि ठीक है कि नहीं, अब पता ही कोई नहीं। ये बड़ा इस्तिंजा संजीदा स्टेज है, ये मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी का स्टेज है, ये हजरत अमीर मिल्लत का स्टेज है मेरे भाई, ये अल्लामा काजमी का स्टेज है, और ये मेरे आला हजरत फाजले बरेलवी के मानने वालों का स्टेज। इस पर कोई ऐसी हरकत ना करें, और कभी भी महफल को कमर्शल ना बनाए, ज़िंदगी में याद रख लें अल्लाह रसूल की बारगाह में भी जाना है। लोग आके शिकवा करते हैं फलाना मौलवी पैसे मांगता है, तो मैंने कहा वो इसलिए मांगता है कि आप देते हैं, आप मार्केट बंद कर दें तो बंदे सारे सही हो जाएंगे। ये मांगने वाले की गलती नहीं, ये रेट लगाने वालों की गलती है। जो चीज़ मार्केट में बिके ना वो बननी बंद हो जाती है। तो क्यों आप लोगों ने ऐसे लोग प्रमोट किए जिन्होंने नात बेची 10,000 की, तिलावत बेची 10,000 की, माजल्ला तकरीर बेची, क्यों ऐसे लोग प्रमोट किए? करो मत हे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का और मेरा दीन पारा है ना नहीं। और ये याद रख लो जिंदगी में, इसकी इको थोड़ी और कम कर दें जी, अल्लाह आपको जजा दे बरकत दे। ये भी याद रख लें कि गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर,
जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते, सर उसी का ऊंचा होता है जो देने का आदि होता है। जो कशकोले तलब दराज करके रखते हैं उनके भी कभी सर ऊंचे हुए हैं। वो किसी ने कहा था, मुझे बाद लोग फोन करते हैं कहते हैं साहब आपका रेट, तो मैं कहता हूँ तुहाड़े को दिता ही नहीं जाना, तो क्यों आप ऐसी बात करते हो भाई, हम बड़े कीमती लोग हैं, क्यों हमारा आप रेट लगाते हो। ये शेर सुन लें, ये शेर आपको फायदा देगा, अगर याद हो गया तो बड़ा नफा देगा। ये आरजुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरजुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। तो जिसको बेहिसाब मिल रहा हो उसको क्या जरूरत है हाथ फैलाने की। ये भीख उसको दीजिए जिसका, एक तरफ नारा लगता है कौन देता है देने को, दूजे पास आने ने दिया जे 20,000। और जालमा उन पे आंदा से नबी पाक को लेने ने, नजराना कोई तोहफा दे तो लेना सुन्नत है, लेकिन ये जो स्टाइल है ना कि तय करना। और पहले माड़े बंदे दी पहुंच ते महफल भी कोई नहीं रह गई, वह भी आंदा कमेटी निकलेगी तो जलसा करांगे, एडा महंगा जलसा, उसकी पहुंच में तो महफल भी कोई नहीं, गरीब आदमी तो अब तरस गया है नाच सुनने को भी, इसलिए कि इसका भी रेट है। बाज आए इस चीज से। हमारा आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तेल लेने चले गए दुकान पे, दुकानदार को बोतल दी तेल वाली, भर के दे दो। उसने भर के दी तो आला हजरत ने फरमाया कितने पैसे? उसने कहा जी वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलम दीन है, आप 3 आने दे दें। आला हजरत ने पूरे 5 दिए, फरमाया तो पूरे रख, मैं अहमद रजा हूं, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता, तूने मेरा 2 आने रेट लगाया, आप आली मैं तो 2 छोड़ दें। इसलिए संजीदगी पैदा करें यार, कोई जरूरी नहीं, कोई सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता तब भी ठीक है, जिनकी पढ़ रहे हो वो तो सुन रहे हैं कि नहीं, ये काफी नहीं कि जिनकी पढ़ रहे हो वो सुन रहे हैं। इसलिए मेहरबानी फरमाएं, इस माहौल को खासा संजीदा करें, इस पर खास मेहनत करें। इसलिए नहीं कह रहा बनाने के लिए, मस्जिद में बैठा हूं बावजू हूं, मेरा दिल नहीं मानता जब मैं स्टेज पे आऊं तो कोई बंदा नारा लगाए, क्यों भाई, जरूरी है? बूढ़ा आदमी बेचारा बीमार बैठा है और इशा का वक्त का वो आया हुआ है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफेद बालों की इज्जत इसी तरह है जिस तरह तुमने अपने अल्लाह की इज्जत की है। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फटाफट खड़े हो जाओ जी, पीर साहब आ गए, तो पीर साहब टाइम ना लाते हो, क्यों ये काम करते हैं? कुछ भी नहीं होता, जो इज्जत करता है उसका पता होता है दिल से कर रहा है, बैठे रहने दे लोगों को, कोई फर्क नहीं। ये बड़ी खूबसूरती पैदा करें, आप माहौल को सही करें, आपके जलसे कई गुना ज्यादा बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मेरी आखिरी गुजारिश, तमीदी बात कर रहा हूं, वो ये है कि महफलों की तरतीब लगाएं। जो कारी साहब ने शाह के फौरन बाद तिलावत की, उन्होंने भी कुरान ही पढ़ा था, वो बेकायदा क्यों थी? फिर जो दोबारा 1.5 घंटे के बाद बाकायदा शुरू हो गई तो वो कुरान पाक नहीं था? उन बाकायदा शुरू होने लगी है, क्या मतलब है इसका? बाकायदा महफल इशा के बाद शुरू करें, टाइम दें, नात खां को वक्त दें, और दुआ का टाइम लिखें। आप मेरे पास कभी आए, हजारों का जलसा होता है हमारा, लेकिन हम 1.5 घंटे से ज्यादा महफल करना मुनासिब ही नहीं समझते, इसलिए कि अगर फजर सवेरे तंग हो जाए तो सारी रात, जलसे का मकसद क्या हुआ? और मुख्तसर बात करेंगे खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला, तो वो बड़ी बेहतरीन रहेगी। संजीदगी लाएं ताकि जिस आदमी ने सवेरे काम पे जाना है वह दस के आवे, आके मैं चलना 8 बजे महफल शुरू होनी है, तो लो 10:45 में थोड़े कोल होवांगा इंशाल्लाह, ताकि बाकी का काम भी कर ले। ये माहौल, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, चले अल्लाह करे मैं बेअमल आदमी हूँ, मेरी जुबान से निकली बात किसी पर असर कर जाए। ये आप संजीदगी पैदा करके देखें, इंशाल्लाह ये राशि ज्यादा हो जाएगा आपके पास और बरकत होगी इस बात की। बिल वालिदैन एहसान, वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लामा सैयद महमूद अलूसी उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर रूहुल मानी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अल्लाह करीम ने कहा वालदैन के साथ एहसान करो, इसका तर्जुमा क्या है? आप फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि जितनी कोई बंदा नेकी करे अगर उसके मुताबिक नेकी कर दी जाए तो वह बदला होती है, और अगर थोड़ी बढ़ा के की जाए तो वह एहसान होती है। फरमाया रब करीम फरमाते हैं इस तरह करो, जरा सोच लो बचपन से लेकर आखिर तक जहां तक तुम मौजूद हो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया है, अगर उससे बढ़ा के करोगे तो इसका मतलब है तुमने एहसान किया है। माँ बाप जो होते हैं ना, ठंडी छाओं मीठी जिंदगी, माँ अनपढ़ भी हो ना तो कम से कम यूनिवर्सिटी होती है,
और बाप, बाप अगर बिल्कुल अंगूठा छाप भी हो ना, तो किसी कॉलेज में, मदरसे में, इदारे में ना पढ़ा हो, तो बेटे के हक में जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी अल्लाह बाप को अता करके भेजता है। माँ बाप को ना कुछ इल्मे लदुनी अल्लाह देता है कि बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ना है। माँ बाप एक हुसन है मुआशरे का। रब तबारक व ताला की देखे ना, अल्लाहु अकबर, दुनिया में किसी की मोहब्बत जांचनी हो ना तो मोहब्बत की तमसील दी जाती है। वतिल्कल अमसालु नद्रिबुहा लिन्नास, अल्लाह लोगों के समझने के लिए मिसालें बयान फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने जब अपना आप समझाना चाहा ना, तवज्जो है मेरी बात पर, जब मालिक ने अपना आप समझाना चाहा तो मेरे रब ने माँ बाप की मिसाल बयान फरमाई। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा। और ये लफ्ज रब यहां दो माने में आया है। उलमा बैठे, रब का माना होता है तदरीजन पालना, का या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा जिन्होंने मुझे रब बन के पाला। यानी मतलब क्या, यहां रबूबियत का माना पालने के माने में, तदरीजन पालना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। ये इमाम सुयूती ने दुर्रे मंसूर में रवायत लिखी है। अच्छा भाई, अल्लाह ने भी मिसाल मां की बयान फरमाई, फरमाया घर जाके अपनी अम्मा को देख लो, अम्मा तुमसे कितना प्यार करती, बस उस प्यार को तोलना शुरू कर दो, 70 माओ से भी ज्यादा रब तुमसे मोहब्बत फरमाने वाला है। माँ के सीने में ना, देखे ना, एक बच्ची होती है बीए वो उसने कर लिया, उसकी अम्मा रोज कहती है बेटे सवेरे उठा कर। सास के पास जाएगी तो वो कहेगी कि इसकी अम्मा ने सवेरे उठना सिखाया ही नहीं। अब बेटी कहती है अम्मा जी दो जावांगी वेखी जाएगी। अच्छा, उसकी शादी हो गई, उसकी सास ने आहिस्ता आहिस्ता शिकवे शुरू कर दिए, खामा से कहने लगी तू इसको उठाता ही नहीं सवेरे। वो भी कहता है कमरे में जाके अम्मा शिकवा करती है, तू उठती नहीं। अब बच्ची लाडली थी, वो नहीं थी उठती टाइम पे। जिंदगी के 22 साल 23 साल वो सवेरे नहीं उठी, वक्त पे नहीं उठी, मिसाल दे रहा हूं। फिर उसी बेटी को अल्लाह ने एक बेटा अता कर दिया। सुबह 100 आवाज उसकी अम्मा देती थी पर उसकी आंख नहीं खुलती थी, लेकिन उसी बेटी का बेटा सहरी के वक्त हल्का सा रोता है। सारी दुनिया सोई है पर अम्मा उसकी फटाफट जागती है, फटाफट जागती है। एक आदमी था तो उसकी बीवी इंतकाल कर गई है, उसने तलाक दे दी। 10-11 साल का उसका बेटा था, उसने दूसरी शादी कर ली। एक दिन अपने बेटे से कहने लगा, बेटे वो सगी अम्मा ठीक थी या ये वाली ठीक है? तो बेटा कहने लगा, अब्बा जी ये ठीक है, वो सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, झूठी थी, ये सच्ची है। उसने कहा, बेवकूफ, तेरी मां झूठी थी? उसने कहा, अब्बा बड़ी। कहा, किस तरह? कहने लगा, अब्बा जी मैं ना कभी, आपको पता मैं शरारती हूं, कभी मैं शरारत करता था ना, कोई बर्तन तोड़ देता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मार के बाहर निकालती थी, कहती थी मैं ताला लगाऊंगी बावर्ची खाने को, तुझे सारी रात रोटी नहीं देनी, तू आज भूखा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं देना, सारी रात नहीं देना। बड़े दावे करती थी, कसमें उठाती थी, पर बड़ी झूठी थी। आधा घंटा भी नहीं गुजरता था तो गलियों में मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, ढूंढ के, और ला के ना तो गलती मेरी होती थी, रोना मेरी अम्मा शुरू कर देती थी, वे ओए मेनू ना सताया कर वे पुत्रा, फिर मेरी मर्जी का खाना मुझे पका के देती थी, मेरी मर्जी का, और फिर मेरी अम्मा मुझे तोहफा भी देती थी। अब्बा जी वो झूठी थी, पहले कह रही थी सारी रात नहीं देना, अब आधा घंटा। ये बड़ी सच्ची है, जवाब भाई है, मैं शरारत करता हूं तो थप्पड़ मार के निकाल देती है, कहती है रोटी नहीं देनी, फिर मैं सारी रात रो के गुजारता हूं पर नहीं देती, ये सच्ची है, वो झूठी थी। तू मां के दर्द को क्या समझे? बच्चे तो कहते अम्मा ने हमें कैद कर दिया, अम्मा कहती है मेरी मर्जी से खाओ, और तुझे नहीं पता उसने कैद नहीं किया, वो तुमसे प्यार बड़ा सच्चा करती, और बड़ा सच्चा प्यार करती है तेरे साथ, बड़ा सच्चा। बेटा बर्गर खा के आ जाता है, अम्मा कहती है रोटी खा ले, कहता नहीं आपने बैंगन पकाए हुए हैं, मैंने नहीं खाने। तो अम्मा मिन्नतें करती है, कहती है चल तू दस की खाना है,
तेनू सेवियां ना बना दें, फटाफट दाल पक जाएगी, क्या खाएगा? वो अब्बा जी मेरी तरह करीब से कहते हैं छड़ पर आप भूख लगेगी तो आप ही खा लेगा। लेकिन अम्मा कहती है इसने रोटी ना ना खाई तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस दर्द को समझना, मैं गुलाम हूं एक आस्ताने का, और मैं समझता हूं जो किसी का मुरीद ही नहीं, उस पर तो साया ही नहीं, उसे चाहिए किसी बुजुर्ग का साया हासिल करे। लेकिन भाई ये बात भी बड़ी सच्ची है कि मेरे जैसे पीर के हाथ में 5,000 रुपया नजराना दो ना पीर साहब दुआ करना, तो पीर साहब ने दुआ पक्की याद की हुई है सबके लिए, रटी रटाई, अल्लाह खैर करे, अल्लाह भला करे, और सबके लिए रट्टा लगाया हुआ है। और अम्मा को बेटा वैसे ही कह जाए, वैसे ही, अम्मा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, जरा दुआ करना। वो बीबियां मंगा के दुआए तंजीना पढ़ाना शुरू कर देती है, और सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठी। इस दर्द को समझना। और भाई बड़ा वेल ड्रेस बेटा होता है, वेल ड्रेस नौजवान, वो 18,000 का जोड़ा पहनता है, 7,000 का जूता खरीदता है, वो कीमती किस्म की घड़ी इस्तेमाल करता है। लेकिन उसी बच्चे के जब अपने बच्चे होते हैं ना, तो बीबी को कहता है ये ले 10,000 रुपया, बच्चों के कपड़े खरीद ले, मेरे सही है, अभी कल ही तो खरीदे थे। और बाप, और तू समझा ही नहीं यार, 30 साल बाप ने जवानी सारी सऊदी अरब को दे दी, लेकिन तेरा ख्याल रखा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30-30 साल परदेश में कंबल नहीं बदला, और जहां गए थे तो एक कंबल खरीदा था, फिर बदला नहीं। तू मां बाप के बारे में, और यहां बच्चे हिसाब करते फिरते हैं, भाई तो पिछले महीने भी 5,000 दिता सी, तुसी पैसों का कर दे की हो, मां बाप से हिसाब करता है तू? तिरमिजी शरीफ के लफ्ज है, एक सियाबी ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, और मैंने खुद मेहनत करके कमाए, अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, और मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला। हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया अब्बा किसका है? कहा या रसूलल्लाह मेरा। तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे, मां और बाप, ये तो हुसन है जिंदगी का, ये तो वकार है इंसान का। जब तक मां बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना, रस्ते सीधे रहेंगे, और जिस दिन उंगली छोड़ के सड़क पे निकलना पड़ा ना, सर चकराने लगेगा। याद रखना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों का तो रुख ही उस दिन वादे होता है जिस दिन आदमी साये से महरूम होता है। अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की मां फौत हो गई, 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की, अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वॉशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की मां का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया, फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती है। उसने कहा मैं बादशाह हूं, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसे, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी मां बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है, मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। मां और बाप तो तेरी नेमत है भाई। हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया, कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। मैं कहता हूं साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, सिर्फ एक ही शायद जायज रह गई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, किसी के पाबंद नहीं। पर जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने पैगामे निकाह दिया, या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहती हूं हुजूर, किसी के पाबंद नहीं। पर मेरे महबूब ने फरमाया मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। यह है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है। तू सारा कुछ क्रास कर करके गुजर जाता है, यहां तो हाल यह है कि पालने वाला कोई और साये में बैठने वाला।
बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी। तो जदों ये फल पकन ते आया ते लै गए होर व्यापारी और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से। अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तवज्जो है मेरी बात पर, इधर देखें जी, छोड़ें थोड़ी देर हमारी सुने। वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया। तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है, बीबी के हुकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और मां का मुकाबला शुरू करा दिया, समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है, उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। 5 किलो अमरूद लेके तो मां के कमरे के करीब से गुजर गया है। बीबी को जाके कहता है, चल आधा किलो अम्मा को भी दे आ, उसके कौन से दांत है। तो प्लेट में डाल के वो लाई है, तू समझा ही नहीं, तूने गौर ही नहीं किया, बंदा तो वो ठीक नहीं था नेपोलियन। पर किसी ने उससे पूछा था, बता जिंदगी में पैसे लेने का मजा कब आया। उसने कहा कि मुझे मजा तब आता था कि मैं अपनी सारी कमाई ला के अपनी अम्मा के हाथ पे रखता था, और फिर जब मैं अपनी माँ से थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, थोड़ा थोड़ा, तवज्जो है मेरी बात पे, अम्मा जी 10 रुपए दे आ जे, कहते जब मैं थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, तो मुझे यूं लगता था जैसे मैं बादशाह वक्त के सामने खड़ा हूं और वो खजाने का मुंह खोल खोल के मुझे देता जा रहा है। तू इस जायके को समझ तो सही भाई, तू इसको समझ तो सही भाई। याद रखें और गौर करें, मां और बाप। और फिर ये भी सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने मां बाप के लिए फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुक, यही तेरी जन्नत है और यही तेरे लिए जहन्नम है। अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, नाराज हो गए तो चाहे तू 100 पीर के मजार पे हाजिरी दे आ, लेकिन जब तक अब्बा राजी नहीं उतनी देर तक अल्लाह राजी। ये हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया, जिसके वालिद राजी उसका अल्लाह राजी और जिसका बाप नाराज उसका अल्लाह। हाँ बेशक, अब ये हदीस है ना, तो सारे वली एक तरफ बैठ जाएं, कहें या अल्लाह बख्श दे मुरीद को, लेकिन अगर अब्बा कहे या अल्लाह ना माफ करना, तो अल्लाह उन औलिया की नहीं मानता, वालिद की मानता है। इसलिए बुल्ले शाह आसमानी उड दियां पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो और माँ बाप को टाइम दें, वक्त दें, चंद घड़ियां उनके पास बैठें। आप यकीन करें, अब्बा जी से आप मशवरा कर ले, सिर्फ मशवरा, मर्जी बशक अपनी करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि जिंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। पर असी सज्जन दी मन्नी अब्बे दी नहीं मन्नी, तो फट्टे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना। बाप के पास बैठे उससे मशवरा लें। मेरे अब्बा जी किसान थे, मैंने अपनी जिंदगी में ढेरों चीजें अपने बाप से सीखी हैं, दर्जनों चीजें सीखी हैं। मेरे वालिद बड़े खुददार थे, मिजाज में अजीब सी खुददारी थी। कोई बंदा कभी हाल पूछ लेता था ना कि हालात किस तरह के हैं, तो फरमाते थे, भाई अगर बताना हुआ तो अपने अल्लाह को बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है, मैंने उनके हाथों पे हमेशा छाले देखे, हमेशा छाले, लेकिन उनका हाथ कभी किसी दुनियादार के सामने फैलता हुआ नहीं देखा। लोग मुझे कहते हैं, आप किस पीर साहब के साहबजादे हैं, तो मैं कहता हूं, मैं उस पीर का साहबजादा हूं जिसने मेहनत करके हलाल की कमाई खाई सारी जिंदगी। ये लोग पीर नहीं होते, ये मुर्शिद नहीं होते, और मैंने दर्जनों चीजें सीखी उनसे। तो सीखने तो बैठ, तुझे हजारों चीजें मिलेंगी। भाई अपनी जिंदगी में मां बाप की तरफ देखो, सबसे जरूरी काम है इन्हें वक्त दो। अम्मा के, ओ भाई बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ कराना, ते अम्मा दे कोल ते आवी 2 मिनट राती, भई ये ना आखी अम्मा पैर कटे ना, रजाई जो तेरे घुट छड़ा, ते अम्मा कहती जा मेरा पुत्र थकिया आया है, तू सो जा के, मैं कदों काम लगी सा, मैं कदों हल वाण डई सा, जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है, तूने 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे मोहल्ले में तेरी अम्मा कहेगी, अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारिया नूं दे। राती आउंदा है ते मैनूं घुट के सौंदा है, अल्लाह घुटिया कोई नहीं, सोया भी कार्रवाई पाई सूं।
लेकिन वो सबको बताती है। तो भाई इतनी कीमती चीज और तू छोड़ के बैठ। मैं कभी जलसे से देर से आता था ना, अब तो जाता नहीं ज्यादा जगहों पे। कोशिश करता हूं कि चलो माहौल के मुताबिक, थोड़ा खुश्क आदमी हूं तो हर जगह सेट नहीं हो पाता, इसलिए कम जाता हूं। तो कभी रात को आते थे ना देर से, मेरी अम्मा जी शुगर की मरीज थी, तो मैं छोटे भाई को फोन करता था कि अम्मा जी सो गए, कहने सो गए। तो मैं कहता था कि तू ना इस तरह कर, नीचे आ जा, दो बज गए हैं, वो शुगर की मरीज है, आंख खोल जाए ना तो दोबारा लगती नहीं बुजुर्गों की, तो तू दरवाजा खोल दे, अंदर दस्तक दी तो दिक्कत होगी। तो मैं जूते उतार के अंदर दाखिल होता था, तो पहला कदम रखता था तो मेरी अम्मा बोल पड़ती थी, पुत्र आ गए, आ गए। ओ भाई तू इस दर्द को समझना, कोई तुझे मिलेगा, कोई मिलेगा तुझे ऐसा? अब मैं दूर दराज भी चला जाता हूं, उनकी जिंदगी में नहीं जा पाया, कहती थी हमने नहीं जाना, घर में रहना है। इस कैफ को समझ ले, इस दौलत के करीब हो जा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी अम्मा बूढ़ी थी, मैं उनकी खिदमत करता था। बाप की खिदमत और माँ की खिदमत सबके हिस्से में नहीं आती, ये रब जिसे महबूब रखता है उसे ये मौके अता करता है। खुश नसीब है जिसे बूढ़ा बाप मिले और वो नौकरी करे, खुश किस्मत है जिसको बीमार माँ मिले और वो नौकरी करे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरी अम्मा बूढ़ी थी तो उनका मैदा कमजोर हो गया था, तो मैं उठा के पखाना पेशाब करता था तो कई दफा मेरे ऊपर कर देती थी। ये हजरत इब्ने जौजी अलैहि रहमा ने इसको लिखा है, फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं बड़ा खिदमत गुजार हूं अपनी माँ का। एक दिन मैं हजरत उमर के पास बैठा था उनके दौरे खिलाफत में, तो एक शख्स आ गया। उस शख्स ने आकर के कहा कि हजरत उमर से, हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। वो कहने लगा, हुजूर मेरी अम्मा बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है, मरीजा है, मुझे आवाज देती है, बेटे पेशाब आया है, आवाज देती है। तो मैं अम्मा को उठाता हूं, अभी मैं बैतुल खिला तक वॉशरूम तक जाता नहीं कि मेरी अम्मा मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। हजरत उमर से कहने लगा, हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, अब अम्मा मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया ना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, जब उसने सवाल पूछा तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने कहा, ये तो मेरे वाला मसला पूछ रहा है, मेरे वाला मसला पूछ रहा है। मेरे पास एक दोस्त जुमा पढ़ने आते हैं बड़ी दूर से, मुझे कहने लगे, हजरत साहब जदों भी मैं आना ना तुम मेरी ही गल छेड़ देंदे हो, वो जो बात होती है ना बिल्कुल मेरी होती है। मैंने कहा, नहीं यार, जो मैं कर रहा होता हूँ वो मेरी भी होती है, वो सारे मुआशरे की होती है, हमें लगता है कि मेरी हो रही है, हालांकि वो बात हमारी सबकी मुश्तरका होती है। सुन ले और याद रख लें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, इसने तो मेरी बात पूछनी शुरू कर दी। हजरत फारूक आजम से कहने लगा, हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, वो मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया? हजरत उमर कहने लगे, नहीं कोई नहीं हुआ। उसने कहा, हुजूर मुझे समझाएं, वो सारे काम जो मैं अम्मा के साथ करता था अम्मा मेरे साथ करती है तो क्यों नहीं हुआ? हजरत उमर कहने लगे, भाई पेशाब तो तू भी अम्मा पे करता था और अम्मा भी तेरे ऊपर करती है, पर तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है। उसने कहा, हुजूर किस तरह? तो क्या जवाब है सैयदना फारूक आजम का, लव काना नबी अम्बाद लकाना उमर इब्ने खताब, क्या जवाब है? हजरत उमर फरमाने लगे, तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है। कहा, हुजूर किस तरह? फरमाया, जब तेरी अम्मा तेरे ऊपर पेशाब करती है ना तो तू दुआ करता है कि या अल्लाह बूढ़ी हो गई है इसे पर्दा दे दे, और जब तू अपनी अम्मा पे पेशाब करता था तो वो दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे लाल को लंबी जिंदगी अता फरमा। फरमाया, ये तेरा और उसका फर्क है, तू पर्दे की दुआएं, सुने अजीजो। कहा, जब तेरी और तेरी मां की सोच में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जितने भी गुनाह इंसान करता है ना अल्लाह करीम सजा को रोक देता है, कयामत में सजा देगा, और जो मां बाप का नाफरमान है ना उसको दुनिया में भी सजा मिलेगी। जो मां बाप का नाफरमान है उसे दुनिया में भी, आप यकीन करें,
बच्चे थोड़ा सा पढ़ जाते हैं बेचारे, तो माँ बाप से कहते हैं अब्बा जी तुसी पुराने दौर दे हो, तुहानू की पता होवे, और तुझे पता ही नहीं भाई, तुझे खबर ही नहीं, ये पुराने दौर के नहीं, तू बेवकूफों के दौर का है, तू समझ ये को तालीम है। अकबर अलाबादी ने कहा था हम ऐसी लाखों किताबें काबले जब्ती समझते हैं, जब्त करने को दिल करता है, हम ऐसी लाखों किताबें काबले जब्ती समझते हैं जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। बात है करने वाली, मां और बाप इतना बड़ा दर्जा है। ओ भाई सुन लो और इस बात को याद रखना, दुनिया में सियाबी होने से बड़ी विलायत कोई नहीं। सारे वली गौस कुतुब अब्दाल मिलके भी सियाबी के कदमों की खाक तक को नहीं पहुंच सकते, लेकिन हजरत अवैसे करनी सियाबी नहीं बन सके सिर्फ अपनी अम्मा की वजह से पीछे रहे। महबूब ने फरमाया तू वहां रह के मां की नौकरी कर, तेरा नबी तुझसे राजी है। इतना बड़ा काम उन्होंने छोड़ दिया, हुजूर की जाहिरी जियारत नहीं कर पाए, और तू कहता है मैं फलाने पीर साहब के आस्थाने पे होता हूं, अम्मा बड़े भाई के पास होती है, मैं जाता हूं तंजीमों के साथ जमातों के साथ और अम्मा फलाने के साथ। ये कैसी बात हुई, ये किस तरह का मसला हुआ। जो तेरी ड्यूटी है उस ड्यूटी को पहले अदा कर, नौकरी को पहले कर, फराइज का अदायगी पहले कर, तू फर्ज छोड़ के नफल के पीछे जा रहा है, इस काम को पहले सर अंजाम दे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालदैन के नाफरमान को दुनिया में सजा मिलती। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मुझे अल्लाह ने 60 हज करने की तौफीक अता फरमाई। कितने बोल के बताएं, जिस बंदे के पास इतने पैसे हों कि हज पे जा सके आ सके और जितने दिन रहना है घर वालों को खर्चा दे सके, उस पर हज करना फर्ज है। पता है आपको उस पर हज करना, इसलिए बयान कर रहा हूं कि हज की दरखास्तें जा रही हैं। हम पता क्या कहते हैं, हम कहते हैं बच्चे बड़े होंगे शादी करूंगा फिर जाऊंगा। ये किसने फतवा दिया है, ये किससे आपने पूछा है? वो जब बड़े होंगे उनकी शादी की चीज उस वक्त आप पे फर्ज होगी, अभी जो फर्ज है उसको अदा करें। और ये तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, याद रख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर हज फर्ज था उसने किया नहीं, बगैर हज किए मर गया, या यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा। इतना बड़ा हुक्म है हज के हवाले, लेकिन लोग इंतजार करते रहते हैं पता नहीं किस चीज का। जब आपको अल्लाह मौका दे, हिम्मत दे, तो पहली फुर्सत में ये फरीजा अदा करें, ये जरूरी काम है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने 60 हज किए, एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों, जो नहीं बोल रहे उन्हें भी आ रही है ना, अल्लाह जजा दे। कहते हैं लाखों का मजमा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा ए अल्लाह इतने लोग आए हैं इनका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं। फरमाते हैं मैं सोच रहा था तो रात को ना ख्वाब में मैंने किसी कहने वाले को कहते हुए सुना कि सब का कबूल हो गया है। बलख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बलखी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं शहरों के अलहदा अलहदे खेमे लगते थे, अब भी आप हज करने जाएं तो पाकिस्तानियों की रिहायशें अलहदा होती हैं, इंडियन की अलहदा, बांग्लादेश के अलहदा, मिस्री, यमनी, सब लोग अलहदा अलहदा रिहायशें होती, झंडे लगे होते हैं मुल्कों के। कहते हैं मैंने सवेरे उठ के ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढता हूं वो बंदा मिले, कहते हैं जहां बलख शहर के लोग रहते थे वहां चला गया। तो मैंने लोगों से पूछा तुम में मोहम्मद बिन हारून बलखी कौन है? लोग कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी है, परहेजगार है बड़ा, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, वो तो बड़ा नेक है परहेजगार आदमी। कहते मैंने कहा अच्छा कहाँ है? उन्होंने कहा पहाड़ के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है, सारा दिन रोजा रखता है, कायमुल लैल है, सायमुल दहर है, क्या बात। फरमाते मैं उन लोगों की बात सुन के हैरान हो गया कि मुझे क्या बताया गया, ये क्या कह रहे हैं। फरमाते मैं पहाड़ के पीछे गया, हजरत मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा फरमाते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उस शख्स को मुसल्ले पे बैठे देखा, कसरत इबादत के आसार उसके वजूद पर नजर आ रहे थे, सीधा बाजू उसका कटा हुआ था। फरमाते दो रकते मुकम्मल करके ना मैंने उससे अस्सलामु अलैकुम कहा तो मुझे कहने लगा वालेकुम सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं?
मैंने कहा बड़ी इसकी फिरासत है। फरमाते फिर उसने ठंडी सांस ली, कहने लगा आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं मुझ पर और बिजली गिरी कि क्या कह रहा। मते मैंने कहा यार लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बड़ी है, तो ये माजरा क्या है। कहने लगा आप ना पूछें। ये कह के उसने रोना शुरू किया, देर तक रोता रहा। मैंने कहा नहीं यार तू बता। कहने लगा नहीं आप ना पूछें, आप नाराज होंगे। मैंने कहा मैं नहीं होता, तू बोल ना। कहने लगा हुजूर 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए, 24वां हज है मेरा, और हर साल कोई अल्लाह का वली आके बताता है कि जा चला जा, तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, ते मंगतियां तख्त बिठावे, आजम किसे नू कारा मिलदा ही कोई काबे खाली आवे। कहते हैं उसने मुझे कहा हुजूर 24वां हज है, हर साल कोई बताता है। मैंने कहा तेरी गलती। कहने लगा मैं अपनी मां का नाफरमान। मैंने कहा वाकया क्या हुआ। कहने लगा हजरत अल्लाह ने मुझे दौलत दी, माल दिया, जमीनें दी, तो मैं अय्याश हो गया। आप यकीन करें अल्लाह लोगों को माल देता है तो वो समझते हैं मेरी चलाकी से आया है, मैं तेज बड़ा था इसलिए आया है। नाफरमान होते हैं, लेकिन जो रब लेना जानता है देना जानता है वो लेना भी। वारस शाह मान करी ना वारसांदा, रब बेवारसा करके मार दई। लोग बड़े स्मार्ट बन जाते हैं, उनकी गुफ्तगू में बड़ा तकबर होता है, उनके निगाहों के अंदाज में बड़े, वो कहते हैं ओहो सब लोग बेवकूफ हैं, सिर्फ मैं सियाना हूं। काम जो सही चल रहा है, ओ भाई एक मिनट लगता है इंसान को बादशाह से फकीर होने में। एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद आपसे कहने लगा इमाम अबू मालिक से, हजरत बताएं इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। आप फरमाने लगे यार तू बड़े मोटे दिमाग का है, किस तरह के सवाल पूछता है, बादशाह था ना। कहने आप बताएं, तो इमाम मालिक फरमाने लगे तू तख्त पे बैठ के सवाल पूछता रहता है और मैं नीचे बैठ के जवाब देता रहता हूं, नीचे आ फिर बताता हूं। उसने कहा जनाब बताएं। फरमाने लगे तू सवाल ही है ना, तो तू नीचे बैठ और मैं ऊपर बैठता हूं। क्या जनाब आ जाए। हारून रशीद नीचे आ गया, इमाम मालिक तख्त पे बैठ गए। फरमाने लगे अब बता क्या पूछ रहा था। कहने लगा हुजूर पूछा था अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। फरमाने लगे रब इस वक्त तुझे समझा रहा है कि इस तख्त पे तकबर ना करना, एक मिनट लगता है मैं तुझे उठा के मालिक को बिठा दिया करता हूं, ये तुझे समझा रहा है, लिहाजा इस समझ पे कायम रहना, तकबर ना करना, एक ही तो मिनट लगता है, ये तुझे समझा रहा है। तो वो शख्स कहने लगा मोहम्मद बिन हारून बल्खी इमाम मालिक बिन दिनार से कि हुजूर बड़ी दौलत थी तो मैं अय्याश हो गया था, रमजान का महीना था, अम्मा तंदूर में रोटियां लगा रही थी, मैं शराब पी के घर आ गया। हमारे यहां ये भी फैशन है ना, अब मेहंदी वाले दिन चौधरी साहब के डेरे पे जवान शराब पीते हैं तो पूछते हैं हाजी साहब आप तो हाजी भी हैं तो डेरे पे मुंडे क्या करते रहे। कहते मैं डेरे तो था मैनू नहीं पता, वो कार लगे सन। हाजी साहब आपको सारा पता है और अल्लाह आपसे पूछ लेगा। यहां तो कोई आदमी चुप कर जाएगा आपके किलों की वजह से, लेकिन अर्श के मालिक को भी तो जवाब देना है कि नहीं, क्या तरीका है। देखे ना कोल वाले दिन महफल और मेहंदी वाले दिन अल्लाह से सिर्फ दुखों का रिश्ता है, रसूलुल्लाह से सिर्फ गमों का रिश्ता है। अगर तूने ढोल ढमक्का शोर शराबा किया है शादी वाले दिन, तो कोल वाले दिन भी बजा तेरा पता चले, जनाजे पे भी बजा, क्या तमाशा है। मजहब सिर्फ रसम है, जरूरत है, कोई मर गया तो कुरान पाक खोल लो, बाकी जो मर्जी करो। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमा दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं बकरे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो नफला नीति जांदे हो, ओ दसो ते सही बुल्ले नू ए की कुछ कीती जांदे हो, ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू की कुछ कीती जांदे हो। कोई तरीका है। कोल शरीफ पे मौली साहब तशरीफ लाइएगा अब्बा जी के कोल है, तो मैं तो कहता हूं बजा ना बैंड बाजे वाला आज भी, तेरा पता चले कि ये दो दो काम कैसे होते हैं, तू किस तरह दो कश्तियों का, समझ नहीं आती बात की। मैं तो जाता ही नहीं बैंड बाजे वाली शादी पे, मैं कहता जिनको मर्दी पढ़ा लो, ने कहा हमसे नहीं दो दो काम होते, अल्लाह रोजी देने वाला है।
एक ही करते हैं, दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, मौज करो। हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं जो हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं होता, बस खत्म हो गई बात। इसलिए गौर करें और याद रखें इस बात को। इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझसे कहने लगा, पैसे आए तो मैं अय्याश हो गया। रमजान का महीना था, असर के बाद मेरी अम्मा इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, मैं गया, मैंने कहा शराब पी हुई अम्मा रोटी दे, तो अम्मा कहने लगी शर्म कर, शर्म कर, रोजा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। कहते अम्मा की बात का मुझे गुस्सा लगा, मैं कहा करता हूं बदनसीब है वो बेटा जिसका बाप उससे बात करते हुए डरता है कि पता नहीं कहां से बोलेगा, बदनसीब नहीं वो बेटा जिसकी मां उससे बात करते हुए सहम जाती है कि पता नहीं कौन सी बोली बोलेगा, बदनसीब नहीं कि मां बाप भी जिससे खोल के बात ना कर सके। हजरत मालिक बिन दिनार से कहने लगा, अम्मा ने जब कहा ना शर्म कर तो मुझे गुस्सा आया, मैंने मां को थप्पड़ मारा और मेरी मां जलते हुए तंदूर में गिरी। लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर बंद कर दिया कमरे में, सारी रात मैं शोर सुनता रहा पर नशे में धुत रहा। सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी, मैंने कहा कहां जा रही हो, कहने लगी जो मां का नहीं बना मेरा कैसे बनेगा। वो मैंने कहा मेरी अम्मा का, वो तो लोगों ने रात को ही दफन कर दी जनाजा पढ़ के। तड़प के कहने लगा मुझे क्यों नहीं बताया, तो कहते हैं लोग कहने लगे तेरी मरती हुई मां कह गई थी इसे मेरा मुंह ना देखने देना, मेरे जनाजे के करीब ना आए। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं जब उसने ये बात सुनाई तो मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, मैंने कहा तू इसी काबिल है। कहते हैं वो रोने लगा, हुजूर दुआ करे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कहने लगा जब मां की इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेके वो हाथ काट दिया जिससे मां को मारा था, मैंने सारी जायदादें खिरात कर दी। 24 साल हो गए, 24 साल सारी रात नमाज पढ़ता हूं, रोजा रखता हूं, हज करता हूं, पर हर साल कोई आके कहता है जा दौड़ जा तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। हुजूर दुआ करे मालिक राजी हो जाए। फरमाते मैं थप्पड़ मार के आ गया, मैंने कहा तुझसे राजी हो जाए इतने जालिम से। इमाम मालिक फरमाते रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार हुआ, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक तू उसे मायूस क्यों कर आया है, अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। कहा हुजूर मां के नाफरमान को माफी कैसे मिलेगी, तो इमाम मालिक फरमाने लगे नबी करीम ने फरमाया जा उसे जाके बता दे तुझे कयामत में तेरी मां की वजह से बख्श दिया जाएगा। कहा हुजूर अम्मा की वजह से किस तरह, तो महबूब फरमाने लगे इसकी मां कयामत में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी रब करीम की अदालत में। ए अल्लाह मैंने 9 माह पेट में रखा, दर्द सह के इसे जना, जिगर का खून पिला के पाला और इसी ने मुझे कत्ल किया। रब करीम इसकी मां का मुकदमा सुन के कहेगा उठाओ इसको दोजख में फेंको, इसने मां जलाई थी इसे भी जलाओ। महबूब फरमाने लगे जब पकड़ करके मालिक उसको मोहम्मद बिन हारून को लोग ले जाएंगे ना जहन्नम की तरफ, अभी फरिश्ते घसीटेंगे ही तो पलट के फिर अम्मा की तरफ देखेगा और दूसरी दफा फिर घसीटेंगे तो पलट के देखेगा और तीसरी दफा फिर पलट के कहेगा अम्मा ये मुझे जलाने लगे, अम्मा ये जहन्नम में फेंकने लगे। मेरे हबीब फरमाने लगे वो जल के मरने वाली माँ वहां भी बोल पड़ेगी, कहेगी या अल्लाह चल मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, ऐ अल्लाह मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे इसे, अल्लाह तू इससे दरगुजर फरमा इसे माफ कर दे। मेरे महबूबे पाक अलैहिस्सलाम फरमाते रब करीम कहेगा इसने तुझे जलाया, तो कहेगी अल्लाह ये तो बेटा था इसने जला दिया, मैं माँ हूं मेरे सामने जले तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। फरमाया उसने जला के मारा था पर उसी मां की वजह से रब करीम इसे जन्नत अता फरमाएगा। पलटा पलटा जा जाके मां के पैरों में बैठ जा, सवेरे अनपढ़ बाप से दुआ कराया कर जा, बिल्कुल अंगूठा छाप बाप से सुबह दुआ कराया कर, देख रब करीम तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोल देगा। और आखिरी बात यह भी सुन ले, मां बाप के इंतकाल के बाद रिश्ते खत्म नहीं होते, रिश्ते खत्म
क्या दुआ मांगते हो नमाज में? रब्बा नगफिर ली। इसका मतलब है माँ बाप तो है ना, वो जो औलाद बचपन में चली जाएगी ना नाबालगी में, छोटे बच्चे, वो कयामत में माँ बाप की सिफारिश करेंगे। माँ बाप के इंतकाल के बाद भी आला हजरत फाजले बरेलवी ने 12 हुकूक लिखे हैं माँ बाप के फतावा रजविया में। फरमाया उनके दोस्तों से दोस्ती रख, उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे कर, अगर उनके जिम्मे कर्जे हैं तो अदा कर, और अगर तेरे माँ बाप जो नेकियां करते थे वो नेकियां जारी रख। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने शरह सुदूर में लिखा है, जमीन पर रह के गलत काम ना करना, वरना फरिश्ते कब्र में जाके तेरे माँ बाप को कहेंगे तो कितनी बुरी औलाद पैदा करके आया। और फरमाया तो दुनिया में रह के अच्छे काम कर, चाहे दुआ मांग चाहे ना मांग, फरिश्ते कब्र में जाके कहेंगे क्या बात है तुम्हारे बेटे की, कैसा लाल पैदा किया है, दुनिया खैर से भर दी है। और भाई मुझसे कोई बंदा पूछे ना कि माँ बाप को इसाले सवाब का सबसे बेहतरीन तरीका, तो मैं कहता हूँ बेटे नमाजी हो जाओ, क्या कर, ताकि हर नमाज की आखिरी रकत में तू कहे रब्बा नगफिर ली। नमाज अल्लाह की, जिक्र माँ बाप का अल्लाह ने रख दिया है, रब्बा नगफिर ली हर नमाज की हर आखिरी रकत में खत्म शरीफ पढ़ा जाएगा, और नमाज के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह, वादा नहीं करा रहा। दाढ़ी किसकी सुन्नत है? नहीं, जिन्हें नहीं रखी हो बोलो, जिन्हें रखी हो तो बोलन डाया ने। किसकी सुन्नत है? तो सरकार के गुलामों ने रखनी है, किसी और ने रखनी है? गुलाम कहते हैं अभी हम नेक ही नहीं, नेक होंगे तो रखेंगे। वो खुदा के बंदो, नेक तो सारी जिंदगी बंदा नहीं होता। कभी किसी ने दावा किया है वली गौस को तब ने कि अब मैं बिल्कुल गुनाह नहीं करता, मैं पाक साफ हो गया हूं, किया कभी? ये शैतान का वसवसा है। दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है, और रखो तो नबी पाक की मर्जी के रखो, पूरी मुट्ठी रखो, अपनी मर्जी की ना रखो, जितनी मुझे अच्छी लगती है उतनी मैंने रख ली। एक मुट्ठी दाढ़ी रखें, सारी दुनिया की ट्रेनें गुजरती हैं तो गुजर जाएं, नमाज का वक्त नहीं गुजरना चाहिए, बस खत्म हो गई बात। दुनिया तो चंद रोज़ा है, ओ पईयां दिस दियां कबरां जिन्हां ते फुल पए, उधरों कोई नहीं जी आवंदा ते इधरों लखां गए। नमाज सबसे पहले, इसलिए कि रब रसूल के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं, गुजारा ही नहीं। नमाज, कुरान पाक और दुरूद व सलाम, ये कज़ा होना ही नहीं चाहिए, जो मर्जी हो जाए। और साथ साथ सुन्नत और शरीयत का लिहाज करना सीखें। और मेरी अपील ये है, हर इमारत पे गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ खाना काबा पे चढ़ता है। हर किताब का गुलाफ नहीं होता, सिर्फ कुरान पाक का होता है। हर बीबी का पर्दा नहीं होता, सिर्फ मुसलमान औरत का होता है। जो चीज़ें पर्दों में होती हैं ना, वो मुकद्दस होती हैं। और भाई टाफी से भी रैपर उतार दो तो मक्खियाँ बैठने लगती हैं। तो जो बीबी पे पर्दा होगी उस पर बुरी नज़रें नहीं जमेंगी। ड्यूटी है आपकी, बेटियों को पर्दा कराएं, बहनों को पर्दा कराएं, माँ बाप माओं को गुजारिश करें। पर्दा हुसन है मुसलमान का। जिस घर में पर्दा रहता है उस घर में अल्लाह के फरिश्ते रहमत नाजल फरमाते हैं। ये कोई फैशन, कोई तरीका, कोई मतलब ही नहीं इन चीज़ों का। बाप पर्दा करें अपने घरों को। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए, अल्लाह आप सब का आना कबूल फरमाए, और जो कुछ मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में हमारी रूहों में इस जज्बे को जागुजी फरमाए। आखिर दावा सलामत रहे। अब काफी नहीं हो गया काम? अल्लाह इंशाल्लाह जारी रहेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह बारकल्लाहु ताला। सुने जी, एक बात करने को सामने कायम, मैं कर देता हूँ। मैं तकरीर भी इतनी करता हूँ 35-40 मिनट की, यहाँ तो कुछ ज़्यादा हो गई है मेरा ख्याल है, तो थोड़ी बात करने की कोशिश किया करता हूँ। चलो, मेरी राय ये है कि खुराक थोड़ी हो तो हजम जल्दी हो जाती है। अरसलान साहब से मैंने कहा मेरा खाना ना पकाना, मेरा मौक़ ये है कि महफिलें सस्ती करनी चाहिए ताकि ज़्यादा होनी शुरू हो जाए। महंगी बड़ी हैं, इसलिए मैं दस ज़्यादा माड़ा बंदा तो हाथ ही नहीं ना पाँगा। तो मैं कहा करता हूँ कि कम से कम खर्चा हो, हमारे
करोड़ों रुपया सालाना लगता है महफिलों पे, अगर अरबों कह दूं तो फिर भी बात गलत, लेकिन उसका रिजल्ट हमें उस तरह का नहीं मिलता जिस तरह का मिलना चाहिए। देखें ना, आपने अजमत वालदैन पे प्रोग्राम किया, मेरी राय यह है कि हुकूक ज़ौजैन पे भी होना चाहिए और शादी से पहले हर बच्चे को मियाँ बीवी के हुकूक का पता होना चाहिए। बाद में तीन तलाकें दे के आ जाते हैं, कहते हैं मैंने पता ही नहीं सी, तो अगर पहले पता कर लेंगे तो ये तमाशा नहीं लगेगा। लेकिन ये काम होता नहीं, बहन भाइयों के हकूक पर बात होनी चाहिए, ये बड़े ज़रूरी काम है और ये भी सारा मेरे नबी पाक का मिलाद ही है, इसलिए कि ये बातें मुस्तफ़ा ने सिखाई हैं हमें सल्लल्लाहु। एक बात कही हजरत ने, मैं अर्ज कर देता हूं, मुहद्दिस इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग के बारे में फरमाते हैं, वो कहते हैं कि बाज़ लोगों ने तो उनका अपना नाम लिखा है और बाज़ जगह पे एक और बुजुर्ग का जिक्र है और बयान रवायत हजरत मुहद्दिस इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैं घर में कोई काम कराना था, काम होते हैं ना छोटे मोटे घर में, तो फरमाते हैं मैं मजदूर लेने गया बगदाद में, चौकों पे मजदूर, मजदूर सारी उम्र का मजदूर ही है ना बेचारा, अमीर तो अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है, हमारे तो पीर भी लोगों को कह रहे हैं फकीर हो जाओ, खुद अमीर होते जाते, खुद रोज बरोज अमीर हो रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं फकीर हो जाओ, तुम भी तो थोड़ा फकर इख्तियार करो ना भाई जो दर्ज दे रहे हो, इल्ला माशाल्लाह, सब की बात नहीं करता। फरमाते हैं कि मैं ना मजदूर लेने गया, बगदाद के चौक में मजदूर बैठे होते थे, तो मेरी उन मजदूरों में से ना एक नौजवान बच्चे पे नजर पड़ी, बड़ा कमजोर सा वजूद था लेकिन चेहरे पर इबादत का निशान था, माथा बताता था कि नमाज का बड़ा ख्याल रखता है। मैं उसके करीब गया, चेहरे भी बड़ा कुछ बताते हैं ना, चेहरों में भी बड़ी रानाई होती है। फरमाते हैं मैं करीब गया, मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे, तो कहने लगा मजदूरों में बैठा हूं तो हुजूर मजदूरी के लिए ही तो बैठा हूं, तो मैंने कहा कि चलो फिर, कहने लगा नहीं मेरी कुछ शर्तें, मैंने कहा बताओ, कहने लगा पहली शर्त यह है कि लोग चार दिनार दिहाड़ी लेते हैं, मैं तीन दिनार लूंगा। मैंने कहा यार बे तो बड़ी बेहतरीन है, बाकी भी इस तरह की रख ले। उसने कहा हुजूर दूसरी शर्त यह है कि मैं आपकी मुकम्मल बात मानूंगा लेकिन जब अजान हो जाएगी फिर आपकी नहीं सुनूंगा। तीसरी बात उसने ये की कि हुजूर मैं आपके घर में काम करूंगा पर आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते मैंने कहा यार तू बड़ा अजीब है, शर्तें तो मालकों की होती हैं। कहने लगा जी बहरहाल मैं शर्तें लगा के जाता हूँ। फरमाते मैं उसे घर ले आया, काम मैंने उसको बताया, तो जो काम मजदूर सारे दिन में करता है ना उसने दो घंटे में ही कर दिया। हमारे मजदूर सिगरेट पीने में भी तो आधा घंटा लगाते हैं ना, वो चाय पीने जाएं तो पौना घंटा, वहां उनको भी तो ध्यानदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ने मुआहदा किया है ना जी तो पूरा उतरना चाहिए ना। कहते दो घंटे में, अब काम जब बंदा शुरू कराता है तो काम और निकल आता है। कहते काम मैंने उसको और बता दिया, वो करने लगा, उसने मिट्टी निकाल के रखी थी बाहर रस्ते में, तो अजान हो गई जोर की, उसने वहीं कुदाल छोड़ी कही और चलने लगा, तो मेरा बेटा कहने लगा इसको जरा बराबर कर दो। कहने लगे चुप कर जा, तेरे बाप से बात हुई थी, जब अजान होती है तो मैं किसी और की नहीं सुनता सिर्फ अल्लाह रसूल की सुनता हूँ। कहते हो मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ के आया तो दोपहर का वक्त था, मेरी बीबी कहने लगी इसको को खाना खा ले। कहते हमने कहा खाना खा लो, तो कहने लगा मैंने रोज़ा रखा हुआ, रमज़ान भी नहीं था, नफली रोज़ा रखा हुआ। फरमाते हैं शाम हुई, मैंने तीन दिनार दिए तो मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगा मैंने आपसे कहा था मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो वो चला गया, अगले दिन मैं फिर लेने गया उसे, काम कुछ और निकल आए, तो लोगों ने बताया वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जी वो कहता है मेरा हफ्ते का खर्चा तीन दिनार है, जब तीन दिनार कमा लेता हूं तो बाकी सारा टाइम अल्लाह रसूल की जिक्र में गुजार दिया करता हूं। फरमाते हैं जी बा अगले हफ्ते मैं फिर लेने गया, मैंने पूरा हफ्ता इंतजार किया कि काम उसी से कराना है। मैं जब गया तो मैंने कहा चलो, कहने लगा मेरी शर्तें याद है ना? और मैंने कहा याद है भाई साथ चल। फरमाते हैं काम कराया, दो तीन हफ्ते वो आता रहा, एक हफ्ते में गया तो लोगों ने कहा हुजूर आज नहीं आया, क्यों? कहने लगे बीमार हो गए। कहाँ घर है? कहने लगे बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है उसमें रहता है। फरमाते मैं गया दरवाजे पर दस्तक दी तो कहने लगा हुजूर आप हैं, दरवाजा खुला है आ जाइए।
फरमाते हैं मैं अंदर गया तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूँ। कहने लगा हुजूर अल्लाह वाले हो, आपने ही आना था, वरना अमीर तो गरीबों का पता लेने कोई नहीं आते। कहते मैं करीब गया तो कहने लगा मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, तेज़ बुखार है, तप रहा। जेब से कुछ पैसे निकाले, कहने लगा ये पैसे रख लें। एक अंगूठी निकाली, कहने लगा हुजूर आज रात को मेरा इंतकाल हो जाएगा, इन पैसों का कफन खरीद के सुबह जनाजा पढ़ के मुझे दफन कर देना, और जब दफन करो तो ये अंगूठी लेके असर के बाद हारून रशीद के पास जाना, आप उसे कहना मैंने मिलना है, पर वो आपको टाइम नहीं देगा, आप उसको आवाज़ दीजिएगा कि तेरी एक अमानत है मेरे पास, फिर वो आपसे मिलेगा तो अंगूठी दे दें, फिर आप मेरी तरफ से फारिग हैं। हजरत फरमाने लगे तेरा नाम, और कहने लगा हुजूर वक़्त थोड़ा है, आज रात मैंने जाना है, बड़ी लंबी माफ़ी मांगनी है रब करीम से, अगर मुनासिब समझे तो मुझे अपने रब से तन्हाई कर दे। फरमाते हैं मैं आ गया पर उसकी बातों ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। फरमाते हैं सुबह बड़ी मुश्किल से सूरज निकला, मैं गया दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर दाखिल हुआ तो खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही थी, जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका तो इंतकाल हो चुका, इंतकाल हो चुका है, ऐसे जैसे किसी का दीदार करके सोया है। कहते मैं तो दो आदमी ले गया था जनाजे पे, पर पता नहीं दुनिया किधर किधर से आई, कहां कहां से, अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना। और मियां साहब ने कहा था बाद मरण दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पढ़िया जनाजा। और किसी उर्दू के शायर ने कहा था मेरे मरने पे हर सु शोर मच जाएगा देखोगे, कि मेरे अल्लाह को मेरे मरने पे हर सु शोर मच जाएगा देखोगे, कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। फरमाते हैं मैं तो दो बंदे ले गया था पर पता नहीं मखलूक कहां कहां से आई, जनाजा पड़ा दफन किया, हारून रशीद के पास में असर के बाद गया, मैंने बुलाना चाहा पर बादशाह था मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने उसको कहा तेरी ये अमानत मेरे पास है, फरमाते हैं वो मुझे कोने पे ले गया, क्या बात है, कमरे में बुलाया, मैंने अंगूठी दी, हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है, मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया, कहने लगा मुझे कब्र पे ले चल। कहते मैं कब्र पे लाया तो वो लेट गया, तड़प के रोने लगा, मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था, तो हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा और मजदूर, कहने लगा हुजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था, मुझे रोज कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा, मैं इसको समझा देता, इसकी अम्मा समझा देती, ये रोज हमें कहता छोड़ दो आ जाओ अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जाएं, हम समझ। एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है, ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई, गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी है, फिर तड़प के कहने लगा हारून रशीद था तो ये मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला। भाई जिंदगी तो बड़ी थोड़ी है ना, बाबा साहब ने कहा था उठ फरीदा सुते आ, ओए दाढ़ी आ गया ही पूर, अग्गा नेड़े आ गया ही, पिछा रह गया ही दूर, उठ फरीदा सुते आ, खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा, उठ फरीदा सुते आ, चाड़ू दे मसीत तू सुते रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल परीत, मेरा रब हमें भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।